हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एडोब बॉक्स। दोस्तों, आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में बात करने वाला हूं। आपने थंबनेल में देखा ही होगा। दोस्तों, अगर आपके डेस्कटॉप में या लैपटॉप में फोटोशॉप इंस्टॉल नहीं है तो फिर भी आप फोटो एडिट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। आज का टॉपिक यही है। और दोस्तों, फोटोशॉप से रिलेटेड बहुत सारा आइटम लाया हूँ, आप देख सकते हैं मेरे चैनल में विजिट करके, जैसे कि वेडिंग एल्बम, पीएचडी बैकग्राउंड, एल्बम कवर, फोटोशॉप बॉर्डर, टेक्स्ट स्टाइल, फोटोशॉप ब्रशेस एंड मेनी मोर। और फ्यूचर में मैं बहुत सारा आइटम लाने वाला हूं। और ये सारे चीज पाने के लिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना, हमारे चैनल के साथ बने रहे। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं जल्द से जल्द आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो टॉपिक मैं आपको आज बताने वाला हूं, इसके लिए आपके लैपटॉप या आपके डेस्कटॉप में नेट का होना जरूरी है। तो दोस्तों, अपने गूगल ब्राउजर में आ जाए। गूगल ब्राउजर में आने के बाद यहाँ लिखे www.photopea.com और इंटर कर लें। इंटर करने के बाद दोस्तों, ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है फोटो पीई ऑनलाइन फोटो एडिटर, इसे क्लिक करके ओपन कर लें। क्लिक करके ओपन करिएगा तो दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं सेम एज इट इज फोटोशॉप का जैसा इंटरफेस आपको मिलेगा। ठीक है, जिसे यूज करके आप फोटो को एक अच्छा लुक दे सकते हैं जैसे फोटोशॉप में देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे बेसिक चीज़ मैं कुछ आपको बता देता हूँ जो फोटोशॉप में रहता है। ये जब आप फाइल में जाइएगा तो यहाँ पे देखिए आपको न्यू का ऑप्शन मिलेंगे, ओपन का ऑप्शन मिलेंगे, ओपन एंड प्लेस, ओपन फ्रॉम यूआरएल, टेक पिक्चर, एक्सपोर्ट हैश। ठीक है, यहाँ से पीएनजी, जेपीजी और बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको सेव करने के लिए। और इसके बगल में ठीक एडिट का ऑप्शन है जो फोटोशॉप में रहता है। यहाँ पर इमेज का ऑप्शन है। ठीक है, इसके अंदर जो फोटोशॉप में टूल्स रहता है इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। इमेज के अंदर लेयर है, सेलेक्ट है, फिल्टर है, व्यूज है, विंडो है, मोर। ठीक है, और दोस्तों इसके जब आप नीचे आइएगा, ये देखिए ये आपको टूल्स दिखते हैं जो फोटोशॉप में दिखते हैं। ये देखिए मूव टूल है, ये देखिए रेक्टेंगल सेलेक्ट टूल, एलिप्स सेलेक्ट, ठीक है, लेजर सेलेक्ट टूल है, पॉलीगॉन लेजर सेलेक्ट टूल है। और इसके जस्ट नीचे में आपको सेलेक्ट टूल्स मिल जाएंगे, मैजिक वैंड टूल मिल जाएंगे, ये क्रॉप्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको जो फोटोशॉप में रहते हैं। इसके नीचे में आपको आई ड्रॉप मिल जाएंगे, ये देखिए आपको स्पॉट हेडिंग ब्रश टूल्स मिल जाएंगे। इसके बाद ब्रश टूल्स के ऑप्शन और भी है दोस्तों इसके नीचे में आपको क्लोन टूल्स मिल जाएंगे जो फोटोशॉप में रहते हैं। ये देखिए इरेज टूल्स मिल जाएंगे जो फोटोशॉप में रहते हैं दोस्तों। इसके सामने आपको ग्रेडियंट टूल्स, पेंट बैकेट टूल्स मिल जाएंगे जो फोटोशॉप में अवेलेबल है। ये देखिए ब्लर टूल्स मिल जाएंगे जो फोटोशॉप में रहते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों ये सारे ऑप्शन जो फोटोशॉप में रहते हैं आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ये टैक्स का ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये देखिए फोटो का कटिंग करने के लिए पेन टूल भी है दोस्तों यहाँ पर ही। ये देखिए दोस्तों और भी बहुत सारे ऑप्शन है। ये देखिए यहाँ से आप रेक्टेंगल, एलिप्स, लाइन और कस्टम शेप जो फोटोशॉप में रहते हैं ये आपको सारी चीज़ यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, ये देखिए हैंड टूल्स, ठीक है, ये देखिए जूम टूल्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ये जो फोटोशॉप में आपको रहते हैं कलर के ऑप्शन, जो बैकग्राउंड के कलर आप चेंज करते हैं, ये भी ऑप्शन है यहाँ पर। ये देखिए दो जो फोटोशॉप में रहते हैं दो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये है बेसिक टूल से जो मैंने आपको बता दिया है जो फोटोशॉप में अवेलेबल है। ठीक है, अब चलिए मैं आपको फाइल में लेके चलता हूँ और यहाँ से एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों जो आप न्यू प्रोजेक्ट ओपन करिएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टेम्पलेट्स है। ये दोस्तों इतने सारे जो टेम्पलेट्स हैं ना, सब फ्री टेम्पलेट्स है जिसे आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करना भी बहुत ही ईजी है दोस्तों, सिंपली कुछ नहीं करें, बस इसे सेलेक्ट करें और ये देखिए आपके सामने ओपन हो गया है। तो आप यहाँ पर अपना ये जो टेक्स्ट दिख रहा है इसे एडिट करके आपको जो लिखना है यहाँ लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसका प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर दिख सकता होगा राइट साइड में। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है ये रेडीमेड टेम्पलेट भी आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको बंद कर देता हूँ, फिर मैं आ जाता हूँ न्यू में, फिर न्यू ले लेता हूँ। ठीक है, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट में जब मैं आता हूँ तो यहाँ पर आपको दिखता होगा कुछ ये जो देखिए ये जो रेडीमेड कुछ साइजेस है। ठीक है, ये सोशल के अंडर हम लोग। ठीक है, तो यहाँ से भी आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से साइज चूज कर सकते हैं कौन सा साइज आपको चाहिए। ये देखिए यूट्यूब कवर पेज है दोस्तों, ये साइज भी अवेलेबल है, आपको बनाने का दरकार नहीं है। ट्विटर का भी दोस्तों यहाँ पे साइज अवेलेबल, आपको बनाने का दरकार नहीं है।
ठीक है। ट्विटर हेडर का भी पेज दोस्तों यहाँ पर ही रेडीमेड है, आपको बनाना दरकार नहीं, बस सेलेक्ट करें और काम करें। ये देखिए यूट्यूब प्रोफाइल के लिए भी आपको पेज अवेलेबल यहाँ मिलेगा। ये देखिए इंस्टाग्राम के लिए भी आपको साइज अवेलेबल यहाँ पर है। जब आप प्रिंट में आइएगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर आपको कुछ इस तरह के डिफरेंट साइजेज मिल जाएंगे जो ऑफिस वर्क के यूज़ में आता है, जैसे A3, A4, A5, A6 एंड मेनी मोर टाइप के साइजेज आपको यहाँ पर ही अवेलेबल है, बिजनेस कार्ड। ठीक है, जब फोटोज में आइएगा दोस्तों, ये देखिए वायलेट का साइज भी अवेलेबल है और भी बहुत सारे डिफरेंट साइज आपको अवेलेबल है, बस क्लिक करना है और यूज़ करना है। स्क्रीन में आएगा तो ये देखिए दोस्तों इस तरह के साइजेज आपको मिल जाएंगे। जब मोबाइल में आएगा तो जो मोबाइल का साइजेज है दोस्तों, ये सारे साइजेज आपको मिल जाएंगे, आईफोन 4, आईफोन 5 और सैमसंग का, और भी बहुत सारे यहाँ पर आपको दोस्तों देखिए जो टैप के भी यहाँ पर साइजेस है अवेलेबल। ठीक है, एड्स के लिए आप आ जाइए, देखिए स्मॉल, मीडियम, लार्ज जो भी एड्स है, इस यहाँ से आप एड्स के लिए भी साइज यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कहीं आपको जाने का दरकार नहीं है, यहाँ पर सारा चीज़ अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं फिर से सोशल में आ जाता हूँ और यहाँ से मैं 1920x1080 का एक पेज सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ। ये देखिए जैसे फोटोशॉप में बैकग्राउंड आता है, सेम इसी तरह यहाँ पर मेरा बैकग्राउंड आ गया है। अब यहाँ से दोस्तों आप मेरे को कलर चेंज करना है, ठीक है, अभी वाइट है तो मैं इसे ब्लैक कर लेता हूँ, डन ओके, और उसके बाद इसे मैं कलर को चेंज कर लेता हूँ, अल्ट और बैक से मैंने मारा तो ये देखिए वाइट से ब्लैक हो गया दोस्तों। तो इस तरह से आप दोस्तों बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे फोटोशॉप में करते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ से टेक्स्ट ले लेता हूँ और मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ सेंटर में, ठीक है, और इसका कलर को मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ कि मेरा टेक्स्ट दिखे मेरे को, देन ओके कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ, ये मैंने अपने चैनल का नाम लिख लिया और इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ से देखिए दोस्तों आप टेक्स्ट साइज को बड़ा और छोटा भी कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है, और देन यहाँ से कंफर्म कर देते हैं, ये देखिए राइट का मार्क यहाँ कंफर्म कर देते हैं, ठीक है, और इसे मैं सेंटर में कर लेता हूँ। और एक तरीका है दोस्तों टेक्स्ट को साइज को बड़ा करना, ये देखिए एडिट में आए, एडिट में आने के बाद फिर ट्रांसफॉर्म सेलेक्ट करें और ठीक है, ये देखिए छोटा बड़ा कर सकते हैं शिफ्ट और अल्ट दबा के, ठीक है। इसके बाद अगर आपको जितना साइज रखना है, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से, तो यहाँ से फिर यहाँ से कंफर्म कर दें, ठीक है। ये देखिए दोस्तों टेक्स्ट बहुत ही सिंपल है, मैं चाहता हूँ कि फॉन्ट स्टाइल मैं चेंज करूँ, तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर लेफ्ट साइड में यहाँ पर क्लिक जब करिएगा तो यहाँ आपको इतने सारे फॉन्ट स्टाइल मिल जाएंगे, जो भी फॉन्ट आपको पसंद है यहाँ से आप फॉन्ट रख सकते हैं। चलिए मेरे को ये फॉन्ट पसंद है तो मैं ये फॉन्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ और देन कन्फर्म कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद ये टैक्स बहुत बड़ा है, मैं इसे छोटा कर लेता हूँ, कंट्रोल ए करके मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया टैक्स को, और यहाँ से मैं टैक्स को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। मेरे को कलर दूसरा चाहिए टैक्स का, तो मैं यहाँ से कलर दूसरा ले लेता हूँ और ओके कर देता हूँ, इसके बाद कन्फर्म कर देता हूँ। मेरे को टैक्स में दोस्तों अभी स्ट्रोक चाहिए, तो यहाँ देखिए इफेक्ट जैसे फोटोशॉप में रहता है, मैंने इफेक्ट में गया और स्ट्रोक में आ गया, ठीक है। ये देखिए दोस्तों ये देख सकते हैं टेक्स्ट के बार बार में स्ट्रोक आ गया जैसे फोटोशॉप में आता है, ठीक है, ओके। मैं चाहता हूँ कि स्ट्रोक का साइज थोड़ा बढ़ा लूँ, तो यहाँ से देखिए दोस्तों साइज को भी आप बड़ा घटा सकते हैं, ठीक है, जितना स्ट्रोक आपको चाहिए यहाँ से आप कम बेसी कर सकते हैं, ठीक है। इसका ओपेसिटी भी आप कम बेसी कर सकते हैं स्ट्रोक का, ठीक है, जितना आपको चाहिए यहाँ से आप रख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे फोटोशॉप में काम करते हैं इसी तरह से आप ये फोटो पीई में भी काम कर सकते हैं और अपना फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। गेस करिए दोस्तों कि आप अपने घर से बाहर है और आपके पास लैपटॉप या पीसी नहीं है, तो सिंपली सामने का कोई साइबर कैफ़े में जाइए और ये वेबसाइट ओपन करिए और अपना फ़ोटो एडिट करके आप अपना काम कर सकते हैं, आपका काम नहीं रुकेगा। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इस तरह का वीडियो मैं हमेशा अपने चैनल एडोब बॉक्स में लाता हूं और लाता ही रहूंगा। और ये सारे चीज़ पाने के लिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना, मेरे चैनल के साथ बने रहे, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरा नया वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ आपको जल्द से जल्द इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।